तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे पबजी मोबाइल के अपडेट 1.4 में न्यू शूटिंग मोड OTS के बारे में, ओवर द शोल्डर जिसको हम बोलते हैं। और अगर आपको OTS के बारे में बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है तो यू कैन सिंपली स्किप दिस वीडियो, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं। और मैं बताऊँगा, मैं बस बेसिक बताऊँगा और दो तीन चीज़ें वैल्यू पॉइंट ऐड करूँगा कि जिसको यूज़ करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। और ये भाई प्रेफरेंस पे है, अगर तुम्हें यूज़ करना है यू कैन यूज़ इट, और अगर नहीं यूज़ करना है तो छोड़ दो, रहने दो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी तुमको OTS मिल जाएगा बेसिक सेटिंग्स में एम फीचर के नाम से। तो अब एम फीचर ऑन करोगे तो तुम जब गन पकड़ोगे तो तुम्हारे कंट्रोल्स में जाओगे तो कंट्रोल्स में तुम्हें ये जो आइकन है ये तुम्हें दिखेगा। तो इसको तुम कस्टमाइज़ कर सकते हो जैसे बाकी तुमने किए। तो OTS है क्या? तो OTS जैसा कि बहुत सारा गेम खेला होगा तुमने, GTA खेला होगा, Apex खेला होगा, तो उसमें शोल्डर के ऊपर का व्यू आता है। तो जब अभी पबजी वालों ने इसको नया इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने उसको मेंशन किया है कि व्हेन यूजिंग OTS हायर एक्यूरेसी कम्स विद द कॉस्ट ऑफ मूवमेंट। अब हर चीज़ आती है तो यार उसका मतलब फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है, प्रॉस एंड कॉन्स। तो ये देखो, देख सकते हो यार इसका बॉडी मूवमेंट कितना स्लो हो गया है, देख रहा हूँ लिटरली। मतलब अगर बंदे तीन तीन बंदे सामने से आ गए ना भाई, तुम क्या करोगे? तुम भाई तीन बंदे आएंगे तो तुमको तो रिफ्लेक्स पे गिराना है। अब तुम्हारे सामने तीन बंदे आएंगे धीरे धीरे तुम मारोगे नहीं। गेम में कंडीशन बनेगा कि सामने से तीन बंदे आएंगे तो तुम तीन बंदों को कैसे मारोगे? तीन बंदों को तो रिफ्लेक्स पे मारना है यार। अब इससे क्या है कि इससे बहुत ज़्यादा धीरे मूवमेंट हो रहा है। और एक्यूरेसी क्या भाई? एक्यूरेसी तो तुम भाई ट्रेनिंग ग्राउंड में भी जाके बिल्ड कर सकते हो, पर इससे बॉडी मूवमेंट लिटरली इतना स्लो हो जाएगा कि तुम भाई एक को टेक डाउन कर दोगे, दो बंदे तुमको टेक डाउन कर देंगे। और ऐसे अगर तुम यार अच्छे प्लेयर हो, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी मतलब एक्यूरेसी है तो तुम उन तीन को डाउन कर सकते हो। लेकिन अगर OTS ऑन किया लिटरली तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा टपाटप होना ही है भाई। तुम ये जाहिर सी बात है भाई, जो चीज़ इंट्रोड्यूस होगी उसका फ़ायदा होगा, उसका नुकसान होगा। अब एज एन कॉम्पिटिटिव ओवरव्यू देखे तो लिटरली मेरे को तो नहीं लगता कि कोई OTS मोड ऑन करके खेलेगा। क्लोज में हो गया ऐसा कुछ होगा, कोई भी OTS ऑन लिटरली नहीं करेगा। जो करेगा यार फिर मैं कहता हूँ भाई वो गॉड ही लेवल प्लेयर होगा। और बाकी OTS देख लो यार, OTS कॉम्पिटिटिव ओवरव्यू से वेस्ट है। और जैसा कि अगर तुम देखो कि फ्रैग मूवीज़ बनाते हैं, मॉन्टेज बनाते हैं, क्लासिक मॉन्टाज होगा तो उसमें ठीक है, उसमें यूज़ कर सकते हो, बाकी कोई इशू नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और बस यही था वीडियो में, जितना इन्फॉर्मेशन देना था यही है जितना इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं भाई। अब देखो OTS भाई जो चीज़ है वो चीज़ है भाई, उसको कोई चीज़ मना नहीं कर सकता। तो अब तुमको यूज़ करना है, तुमको नहीं यूज़ करना है वो तुम पर है। बाकी देख लो भाई जैसा सही लगे, अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो दबा दो भाई लाइक बटन, मुझे पता है अभी तक कि नहीं दबाए, दबा दो।